क्यों बनाया हमने स्ट्रक्चर? कुछ तो कारण होगा। हाँ, सिंगल डेटा टाइप में मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, ताकि हम लोग खुद से डिफाइन कर सके कि हम लोगों को कौन कौन सा टाइप का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, मतलब हम लोग ने क्या किया वहां पे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया। क्या बनाया? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वैसे ही एक टाइप डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइप डिफाइन का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, द टाइप डिफाइंड इज ए कीवर्ड। क्या है? कीवर्ड है। ठीक है, 32 कीवर्ड्स होते हैं, उसमें से एक कीवर्ड टाइप डिफाइन भी है। ठीक है, इज यूज इन सी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड सम मीनिंगफुल नेम्स टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल इन सी प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा टाइप है। कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर। ठीक है, इतने ही होते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलो मैं लिखता हूँ इंट, मैंने यहाँ पे लिखा इंट, मैं इसको इंट के नाम से ही जानूंगा। ठीक है, आया समझ में? मैं इसको कुछ और तो बोलूंगा नहीं, कुछ और बोलूंगा क्या? ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ टाइप डिफाइन को यूज करके, टाइप डिफाइन कीवर्ड को यूज करके हम लोग किसी एक डेटा टाइप को दूसरा नाम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? दूसरा नाम दे सकते हैं, इसी को बोला जाता है टाइप डिफाइन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान के चलो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया स्टूडेंट, और इसके अंदर एक दो डेटा टाइप है, इंट, रोल नंबर और कैर नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो इसके मेंबर्स बना लिए। ठीक है, दो मेंबर यहाँ पे मैंने बनाया, तो अगर मैं इस स्टूडेंट का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं S1, S2 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल बनाया, इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्चर स्टूडेंट है। ठीक है, डेटा टाइप क्या है इसका? स्टूडेंट है। ठीक है, अगर मान के चलो मैं S1 को कुछ और नेम दे देता हूँ, ठीक है, ये S1 को मैं नेम दे देता हूँ स्टूडेंट 1। ठीक है, मैंने क्या दे दिया उसको नेम? स्टूडेंट 1। ठीक है, तो रहेगा तो S1 ही, और वो किस टाइप का रहेगा? स्टूडेंट टाइप का ही रहेगा। ठीक है, कुछ बदल तो नहीं जाएगा। ठीक है, एक कहावत सुने हो ना, नाम में क्या रखा है। ठीक है, नाम उसका कुछ भी लो रहे, लेकिन रहेगा वो क्या? स्टूडेंट का वेरिएबल ही रहेगा, और उसके अंदर यहाँ पे दो मेंबर्स ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो टाइप डिफाइन से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक डेटा टाइप को, चाहे वो स्ट्रक्चर हो या प्रिमिटिव डेटा टाइप हो, ठीक है, दोनों को हम लोग किसी दूसरे नाम से जान सकते हैं, या फिर दूसरा नाम उसका रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बस एक डेटा टाइप का हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं बस। ठीक है, क्लियर इतना? चलो देखते हैं आगे, बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो, द टाइप डिफाइन इज अ कीवर्ड यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग टू प्रोवाइड सम मीनिंगफुल नेम्स टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल इन सी प्रोग्राम। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल को या फिर डेटा टाइप को हम लोग दूसरा नेम देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? दूसरा नेम देते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, अब डेटा टाइप को हम लोग यूज कब कर सकते हैं? जब वेरिएबल बनाएंगे तभी। ठीक है, बिना वेरिएबल के वो डेटा टाइप कोई काम का नहीं है, और वो डेटा टाइप बिना सॉरी वेरिएबल जो है बिना डेटा टाइप के कोई काम का नहीं है, दोनों एक दूसरे से ही है। ठीक है, दोनों अकेले अकेले यूज नहीं किए जा सकते, तो जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका डेटा टाइप भी हम लोग देते हैं। ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो या प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, क्लियर इतना?
आगे देखते हैं, इट बिहेव सिमिलरली एज वी डिफाइन द एलियास फॉर द कमांड्स. इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस कीवर्ड इज यूज टू रीडिफाइन द नेम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल. हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस कीवर्ड इज यूज टू रीडिफाइन द नेम. हम लोग ने पहले से एक नेम दे दिया है इसको. जब हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो एक नेम हम लोग दे देते हैं, ठीक है. जैसा हमने यहाँ पे एस वन और एस टू दे दिया, ठीक है, एक नेम पहले से दे दिया. अब हम लोग इस एस वन को चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट वन में, ठीक है. लेकिन रहेगा क्या टाइप का, स्टूडेंट टाइप का ही होगा, ठीक है. हम लोग ने यहाँ क्या चेंज किया, वेरिएबल का नेम चेंज किया, ठीक है. हम लोग यहाँ पे जो ऐसा लिखते हैं, मान के चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ struct student, ठीक है. यहाँ पे मैं लिखता हूँ student one, ऐसा मैंने लिखा, ठीक है. मैं इसको हटा दिया. अब इसका वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट वन है. मुझे हर बार ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा जब भी मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करूंगा, ठीक है. अगर मुझे स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एक वेरिएबल क्रिएट करना है तो मुझे इतना बड़ा लाइन पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है. हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा कर दो, ठीक है. यहाँ पे डायरेक्टली एस वन दे दो, ठीक है. एस वन दे दिए. अब एस वन क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है. क्या है, एक वेरिएबल है. किसका वेरिएबल है, स्टूडेंट का वेरिएबल है, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे स्टूडेंट का आगे कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस एस वन को यूज करूंगा. क्या करूंगा, एस वन को ही यूज करूंगा. मैं सिर्फ ऐसा लिख सकता हूं एस वन, ठीक है, एस वन, और यहां पे मैं लिख दिया स्टड वन, ऐसा बस. अब हमने इसको क्या बना लिया, डेटा टाइप बना लिया. क्या बना लिया, डेटा टाइप बना लिया. लेकिन ये किसको रिफर कर रहा है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट को ही रिफर कर रहा है. आया समझ में. अब इस एस वन को हम लोग किस किस नेम से जान सकते हैं, स्टड वन या फिर जितने भी हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे, ठीक है, उसका नेम वो चेंज होते जाएगा. आया समझ में. तो हम लोग इनडायरेक्टली बस इसका नेम हम लोग एज ए डेटा टाइप हम लोग यूज करने वाले हैं. क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है. तो इसका सिंटेक्स कैसे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टाइप डिफाइन, फिर उसके बाद लिखेंगे एग्जिस्टिंग नेम, मतलब जो पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका नेम हम लोग लिखेंगे. फिर उसके बाद एलियास नेम हम लोग यहाँ पे देंगे, मतलब न्यू नेम, ठीक है. आया समझ में. एग्जिस्टिंग नेम इज द नेम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल, वाइल एलियास नेम इज अनदर नेम गिवन टू द एग्जिस्टिंग वेरिएबल, ठीक है. मतलब ये ओल्ड नेम है और ये न्यू नेम है, ठीक, समझ में आया, ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल देखो, पहले समझ लो इधर, बाद में लिखते रहना, ठीक है, मौका दूंगा मैं लिखने का, ठीक है. अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं. यहां पे मैंने लिखा टाइप डिफाइन, ठीक है, टाइप डिफाइन लिखा. उसके बाद अनसाइंड इंट यूनिट, क्या लिखा मैंने, अनसाइंड इंट यूनिट. हमारा वेरिएबल क्या है, यूनिट है, ठीक है. हमारा वेरिएबल क्या है, यूनिट है, ठीक है. इसका डेटा टाइप क्या है, अनसाइंड इंट है, ठीक है. अनसाइंड इंट मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी, ठीक है. डेटा टाइप में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है. तो यहां पे हमने एक यूनिट नाम का एक वेरिएबल बनाया, नॉर्मल वेरिएबल बनाया, लेकिन हमने इसके सामने क्या लगा दिया है, टाइप डिफाइन लगा दिया है, ठीक है. तो टाइप डिफाइन लगाने से क्या हुआ, हम लोग इसको एज ए डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. हम लोग ने यहां पे देखो, ये है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग यूज करते थे, ठीक है, उसका नेम है. अब हम लोग ने उसको नया नेम दे दिया. इस सिंटेक्स को देखो, ये एग्जिस्टिंग नेम है, मतलब अनसाइंड इंट, ठीक है. अनसाइंड इंट क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिस जो हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है. अब हम लोग उसने क्या दे दिया, एलियास नेम दे दिया, मतलब उसको एक नया नेम दे दिया, ठीक है. समझ में आया कि नहीं आया, आ गया पक्का, ठीक है. अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक यूनिट नाम का एक डेटा टाइप बना लिए. अब यहाँ पे आगे अगर हम लोग लिखना चाहे तो हम लोग इस प्रकार से यूनिट लिख के ए बी सी डी जितने भी हम लोग वेरिएबल्स बनाना चाहे हम लोग बना सकते हैं,
लेकिन उसका एक्चुअल डेटा टाइप क्या रहेगा, अनसाइंड इंट ही होगा। ठीक है, क्लियर। वैसे ही अगर हम लोग को स्ट्रक्चर का भी बनाना है तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा लिखना ना पड़े हम लोग को तो हम लोग एक छोटा वेरिएबल बना दे। ठीक है, और उस वेरिएबल को एज ए डेटा टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, एज ए डेटा टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने उसको क्या किया, एक छोटा नेम दे दिया अलग से। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होगा। ठीक है, इस एग्जांपल में हम लोग ने मेन के अंदर में यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जैसा कि सिंटेक्स और एग्जांपल में हमने देखा, ठीक है, सेम उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस एग्जांपल में बनाया है। हम लोग ने लिखा टाइप डिफाइन अनसाइंड इंट यूनिट। ठीक है, टाइप डिफाइन हम लोग ने लिखा, उसके बाद हम लोग जो उसका एग्जिस्टिंग नेम था वो हमने लिखा, फिर उसके बाद यूनिट क्या है हमारा, एलियाज नेम है। ठीक है, एलियाज नेम समझ में आता है ना, जैसे हम लोग का घर में रहता है निक नेम रहता है। ठीक है, गोलू मोलू चिंटू, ठीक है, इस टाइप का जो नाम रहता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, यूनिट नाम रख लिए। ठीक है, अब इस यूनिट के हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे यूनिट आई कॉमा जे, जितने चाहे हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे पूरा का पूरा इतना बड़ा दो तीन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक वर्ड लिखेंगे और हम लोग उसके वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वो किसका वेरिएबल बन रहा है, अनसाइंड इंट का ही वेरिएबल बन रहा है। ठीक है, फिर हम लोग इसको इनिशलाइज कर दिए, आई इक्वल टू 10, जे इक्वल टू 20। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंटफ लगा के हम लोग ने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ आई इज परसेंट डी, और कॉमा देके आई लिख लिया, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ जे इज परसेंट डी, और जे की वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ आई इज 10, वैल्यू ऑफ जे इज 20। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल है, समझ में आया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसको हम लोग ने एक नया नेम देके यूज किया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टाइप डिफाइन विथ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के साथ हम लोग टाइप डिफाइन यूज करेंगे। चलो सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, हम लोग ने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का हमने क्या बनाया, स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर दो मेंबर हमने बनाए, कैर नेम ऑफ साइज 20 और इंट एज। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1। ठीक है, S1 क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग अगर इसको टाइप डिफाइन करके यूज करेंगे तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा टाइप डिफाइन, ठीक है, टी स्मॉल है, टाइप डिफाइन स्ट्रक्ट, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल नेम बनाया है, स्टूडेंट साई कॉलेज BCA1। ठीक है, यहाँ पे BCA1 की जगह हम लोग PGDCA कर लेते हैं। ठीक है, इतना बड़ा हमने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। किसका वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्चर स्टूडेंट का हमने एक वेरिएबल बनाया। अब हमें हर बार इसको लिखना पड़ेगा, जब जब वेरिएबल बनाएंगे तब तब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इतना बड़ा वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इतना बड़ा नेम ना हम लोग को लिखना पड़े, हम लोग ने यहाँ पे एक छोटा सा नेम दे दिया स्टड। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग ये STUD नाम का जो हमने एक वर्ड बनाया है उसके नाम से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, मतलब उसको एज ए डेटा टाइप हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका नेम क्या था, पहले इसका नेम इतना बड़ा सा था। ठीक है, अब इसका नेम क्या हो गया, छोटा सा हो गया। ठीक है, अब हम लोग उसको एज ए डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो किस टाइप का रहेगा, किस टाइप का रहेगा, किस टाइप का रहेगा, अरे यहाँ पे एक स्पेस है। ठीक है, किस टाइप का रहेगा, अरे स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का रहेगा।
किस टाइप का रहेगा? स्टूडेंट, ठीक है। उसका डेटा टाइप क्या है? स्टूडेंट डेटा टाइप है उसका, ठीक है। हम लोग ने एक स्टूडेंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल को दूसरा नेम दिया, ठीक है। अब उस वेरिएबल का जो नया नेम हम लोग रख दिए हैं उसको एज ए डेटा टाइप हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका बेस डेटा टाइप कौन सा है? स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम लोग ने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया टाइप डिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन के समय पे ही हम लोग वहां पे टाइप डिफाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर डिफाइन करते तो हम लोग क्या करते हैं, टाइप डिफाइन यहाँ पे नहीं लिखते टाइप डिफाइन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बना रहे हैं, उसको एक नया नेम दे रहे हैं। किसको नेम दे रहे हैं? हम लोग इस स्टूडेंट को नया नेम दे रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट को हम लोग जो भी स्टूडेंट का वेरिएबल बनाएंगे उसको एक नया नेम देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते समय पे अगर टाइप डिफाइन कीवर्ड लिखते हैं तो जो भी वेरिएबल इसका बनेगा, ठीक है, जो भी इसका वेरिएबल बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग एज ए डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग डेफिनेशन के समय पे लिख दिए टाइप डिफाइन, ठीक है, उसके बाद लिखे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और उसके बाद दो मेंबर इसके दे दिए, कैर नेम और साइज 20 और इंट एज। फिर उसके बाद हमने इसका एक वेरिएबल बनाया, जैसा नॉर्मल हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब उसके बाद इस मेन में आ जाते हैं हम लोग, मेन में आ गए, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल कैसे बनाया, हम लोग लिखा STUD और उसके बाद S1, ठीक है। हम लोग यहाँ कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं, S2 बना लो, S3 बना लो, कितने भी वेरिएबल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, आया समझ में। लेकिन इसका बेस डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्चर स्टूडेंट है, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले प्रिंटफ लगा है, एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1, ठीक है। स्टूडेंट 1 का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल एंटर करेंगे। फिर उसके बाद प्रिंटफ हम लोग लगाए, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे s1.name से हम लोग उसको एक्सेस कर लिए। s1.name हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या लिखना चाहिए था कायदे से, stud1.name हम लोग को लिखना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग ने नया वेरिएबल नेम क्या दे दिया है, s1 दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग उसका बेस डेटा टाइप क्या मान के चलेंगे, स्टड मान के चलेंगे, ठीक है, आया समझ में। तो s1 के अंदर क्या क्या अवेलेबल होगा, नेम अवेलेबल होगा और एज अवेलेबल होगा, ठीक है। हमने जो ये स्टड नाम से बनाया था वेरिएबल उसको हम लोग एक नए नेम से यहाँ जान रहे हैं s1, और इस s1 के अंदर भी दो मेंबर अवेलेबल होंगे, नेम और एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने s1.name करके इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है, डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने यहाँ पे प्रिंट एफ लगाया, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे s1.age करके हम लोग ने इनपुट ले लिया, ठीक है, s1.age, ठीक है। अब हम लोग दोनों की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज % s1.name, प्रिंट एफ एज ऑफ स्टूडेंट इज % s1.age, ठीक है, दोनों की वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर लिए। तो आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा, मान के चलो हम लोग यहाँ पे इस टाइप का आउटपुट हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट s1, जो यहाँ पे दिख रहा है वही एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है, कुछ अलग से हम लोग को नहीं लिखना है। एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, और हमने यहाँ डाल दिया पीटर, ठीक है, एंटर एज ऑफ स्टूडेंट 28, ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी प्रिंट एफ से, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गया, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज पीटर, एज ऑफ द स्टूडेंट इज 28, ठीक है, समझ में आया पक्का, चलो इसको लिखो।